सोलन पुलिस का एक ही लक्ष्य है कि वो लक्ष्य है शहर से नशे को जड़ से खत्म करना। नशे का खत्म करने के लिए सोलन पुलिस द्वारा विशेष अभियान भी चलाया गया है। अभियान के तहत सोलन पुलिस ने जिला के चप्पे चप्पे पर अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया है। इन गुप्तचरों और स्थानीय युवाओं के सहयोग से आए दिन पुलिस जाल बिछाती है और कड़ी कड़ी जोड़ती हुए नशा तस्करों के गिरबान तक पहुंच रही है और उन्हें सलाखों के पीछे भी पहुंचा रही है। सोलन पुलिस का एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है शहर से नशे को जड़ से खत्म करना। नशे को खत्म करने के लिए सोलन पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत सोलन पुलिस ने जिला के चप्पे चप्पे पर अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया है। इन गुप्तचरों और स्थानीय युवाओं के सहयोग से आए दिन पुलिस जाल बिछाती है और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए नशा तस्करों के गिरेवान तक पहुंच जाती है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेती है। आज भी पुलिस ने एक विदेशी तस्कर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 15.72 ग्राम हेरोइन बरामद की है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सोलन पुलिस नशे को जड़ से खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके तहत वे एक वर्ष में करीबन 5 विदेशी नशा तस्करों को पकड़ चुकी है। वही पुलिस ने एक विदेशी तस्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 15.72 ग्राम हेरोइन बरामद की है। उन्होंने कहा कि आज विदेशी नाइजीरियन अपराधी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी, वो अभियान हमारा जारी है, उसमें दो युवक जो सोलन पुलिस ने, सोलन थाना सदर के अंतर्गत आता है, उसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनको आज पेश किया गया। लेकिन मेरा युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि वो इस काम को छोड़ दें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पकड़े भी युवा जा रहे हैं और हमें सूचना भी युवा ही दे रहे हैं। तो कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।